अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में क्या है, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि जीरो, जो आर्यभट्ट ने दिया था। लोग मजाक में ऐसा बोलते हैं, लेकिन इस जीरो के अलावा भी कई ऐसी फील्ड है जिसमें इंडिया टॉप पर आता है, और आज हम ऐसे ही 8 फील्ड्स देखने वाले हैं जिसमें इंडिया टॉप पर है। पहला एरिया जिसमें इंडिया टॉप पर है वो है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। अगर पूरी दुनिया के 10 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म देखे जाएंगे तो उनमें से 6 प्लेटफॉर्म आपको इंडिया में मिलेंगे, और उनमें से टॉप 3 इंडिया के ही हैं। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, 1.3 किलोमीटर लंबा। दूसरा एरिया जिसमें इंडिया टॉप पर है वो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। आज की डेट में इंडिया में लगभग 1.6 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो कि किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा है। जबकि चीन की और इंडिया की पॉपुलेशन में थोड़ा ही फर्क है, फिर भी चीन में सिर्फ 50,000 पोस्ट ऑफिस है, जो कि इंडिया के 1/3 है। और यही नहीं, इंडिया में एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो श्रीनगर में एक लेक के ऊपर बना है। थर्ड पॉइंट जिसपे इंडिया टॉप करता है वो है हाईएस्ट रीडिंग रेट। एक इंडियन ऑन एन एवरेज एक वीक में 10.5 घंटे रीडिंग करता है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद कि इंडिया में 74% लिटरेसी रेट है, जो कि पूरी दुनिया के एवरेज से भी कम है। चौथा एरिया जिसमें इंडिया टॉप पर है वो है हाईएस्ट नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर। नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर यानी कि ऐसे लोग जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, जिन्होंने इंग्लिश सीख के फिर बोली है। ऐसे 13 करोड़ लोग इंडिया में हैं जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखकर बोलने लगे हैं। फिफ्थ एरिया जिसमें इंडिया टॉप पर है वो है मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में पूरे दुनिया का 22% दूध प्रोड्यूस किया जाता है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और इसके साथ दूध कंज्यूम भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही किया जाता है। और यही नहीं, इंडिया के अंदर 30 करोड़ कैटल पॉपुलेशन है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। कैटल का मतलब गाय, भैंस, बकरी, बैल, ये सब मिला के 30 करोड़ कैटल इंडिया में मौजूद है। सिक्स्थ एरिया जिसमें इंडिया टॉप पर है वो है फिल्म प्रोडक्शन। इंडिया में 2019 में कोविड से पहले 1986 मूवी बनाई गई थी एक साथ, और इसमें से केवल 495 यानी 25% मूवीज हिंदी मूवीज थी। बाकी सारी मूवी या तो रीजनल मूवी थी या अदर लैंग्वेज मूवी थी। और इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर मूवी बनाने में कंट्री है नाइजीरिया, जिसने 2019 में 1600 मूवीज बनाई थी। सेवंथ एरिया जिसमें इंडिया टॉप करता है वो है मैंगो प्रोडक्शन। इंडिया में पूरे दुनिया के 45% मैंगो प्रोड्यूस किए जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि खाने में भी हम आगे हैं। सबसे बड़ा मैंगो प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी इंडिया सबसे बड़ा मैंगो एक्सपोर्टर नहीं है। मैंगो का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर थाईलैंड है। इंडिया जितना मैंगो प्रोड्यूस करता है उसका केवल 1% बाहर भेजता है, बाकी सारे आम खा जाता है। और एंड में इंडिया टॉप करता है हाई अल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में। इंडियन आर्मी को ये महारत हासिल है कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छी एक्सपर्टीज और ऊंचे पहाड़ पर लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया ने बहुत लड़ाई ऐसे लड़ी है, जैसे कि सियाचिन या कारगिल। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते आर्मी के जवान इतने एक्सपर्ट हो गए कि कश्मीर के गुलमर्ग में एक स्कूल बनाया है आर्मी ने हाई अल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर सिखाने के लिए। दोस्तों, क्या आपको ये सारी चीजें पता थी? नीचे कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।